भगवान श्री राम के सुपुत्र लव और कुश के जन्म की खुशी में भारतवर्ष में लव कुश जयंती मनाई जाती है। उत्तर भारत के कुशवा समुदाय का यह मानना है कि श्रावण पूर्णिमा के दिन उनके पूर्वज लव और कुश का जन्म हुआ था। कुशवा समाज लव कुश भगवान का जन्मोत्सव मनाकर गौरवान्वित होते हैं, इसलिए वो ये त्योहार धूमधाम से मनाते हैं। बैटमा नगर में रविवार को इस अवसर पर भव्य चल समारोह निकाला गया और कुशवा समाज ने भगवान आराध्य भगवान लव कुश की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई। गौरतलब है कि यह आयोजन इंदौर जिले का सबसे बड़ा आयोजन था। शोभा यात्रा में युवक युवतियां भक्ति गीतों पर नृत्य करते हुए चल रहे थे। चल समारोह कुशवा मोहल्ला से प्रारंभ होकर गौली मोहल्ला, राजबाड़ा चौराहा, अम्बेडकर चौराहा, पूरा बाजार, त्रिवेणी चौक होते हुए कचहरी प्रांगण पहुंचा, जहां पर महाआरती के बाद महाप्रसादी का वितरण हुआ। इस अवसर पर समाज जन सहित बड़ी संख्या में नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बैटमा इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। आज थाना बेटमा अंतर्गत कुशवा समाज के लव कुश चल समारोह कार्यक्रम में लगभग 200 से 300 महिला पुरुषों ने कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, जिसमें बेटमा पुलिस द्वारा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है और चल समारोह नगर के भ्रमण विभिन्न मार्गों से भ्रमण करता हुआ अपने समापन स्थल पर पहुँच रहा है। और निश्चित ही तौर से यह एक गौरवशाली और बहुत ही पारंपरिक चल समारोह है जो अपनी भव्यता के साथ में समापन स्थल पर पहुंच रहा है। इसमें पुलिस के द्वारा पूर्ण व्यवस्था लगाई गई है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।